क्या कह रहे हो आप? ये हमें, ये हमारा बस है और हम स्कूल में जा कर ये हमारी छुट्टी हो गई है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। उम्मीद आप सब खैर वाफ़ी से होंगे। अल्लाह करीम आपको शाद व आबाद रखे। नाश्ता हमने कर लिया है, सो इट्स टाइम टू लीव नाउ। और अब हम निकलेंगे नारान की तरफ। रास्ते में कोई भी अगर पॉइंट आता है तो इंशाल्लाह वहाँ पे स्टे करेंगे, तो फिर मेमोरीज आपके साथ में शेयर करता चलूँगा। चलें आज का सफ़र शुरू करते हैं। हम गाड़ी में आ चुके हैं और अब हम अपनी डेस्टिनेशन सेट कर रहे हैं। रूट देख रहे हैं कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है। एसन भाई लोकेशन चेक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह तैयारी हमने अपनी कर ली है, कमर कस ली है, रखते सफ़र बांध लिया है। तो दुआ में याद रखिएगा, आप सबका साथ रहेगा। रास्ते में कोई मोमेंट्स आए तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए, स्टे ब्लेस्ड। एजाज है उसने अवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। तो ये जो हम यादें कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हसीन यादें बाद में याद आएंगी जब हम बिज़ी हो जाएंगे अपने उसी स्केड्यूल के मुताबिक, वो जो फुली डे ऑक्यूपाइड होते हैं हमारे। एहसन भाई बताएं कैसा स्केड्यूल होता है आपका डेली बेस पे? सर मेरा तो स्केड्यूल यही है, बस मॉर्निंग में उठ जाओ, 4 बजे ऑफिस से रह जाओ, नमाज पढ़ के ऑफिस चले जाओ, बाद में फिर जनाब नाश्ता कर लिया कोई 10 बजे, उसके बाद बस फिर सारा दिन लगा रहता है। साढ़े वो एक ना पंजाबी इसलिए कह रहे हैं कि कुछ गलों का मज़ा सिर्फ पंजाबी से आता है ना। गाँव में बहुत से लोग जो जानते हैं गाँव को, वो जरा खूह के उत्ते टग्गा नहीं होना लाया हों, जरा आप ही चली जाता गोल गोल, तो वो एक वक्त आता है कि इतना यूज टू हो जाता है कि रात को उसे आप पीछे हटा के, यानी उसकी ड्यूटी से पीछे करके बांधे ना, उधर भी घूमता रहता है। और फिर एक टाइम ये भी आता है कि इतना वो यूज टू हो जाता है कि वो जैसे वो जो उसके गले में होता था ना, उसे पंजाली कहते हैं पंजाबी में ना, तो वो पंजाली खुद ब खुद उठा के अपने गले में भी डाल लेता है। तो असी सर वो खूह के जेडे बैल होंगे ना, उसकी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, जो सारी ज़िंदगी अपनी मदार के अंदर गर्दिश करते रहते हैं करते रहते हैं। इसलिए निकला करें, घरों से बाहर निकलें अगर आपके वक्त में आपके पास वसत हो या आपको आपकी जेब इजाज़त दे, तो फिर सैर सियाहत में वक्त गुजारें। बहुत सी निशानियां अल्लाह की हैं, अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि ज़मीन पर फैलो, तदब्बुर करो, फ़िक्र करो, तलाश करो। और जब ऐसे मकामात पे आप आते हैं तो आपके ज़ुबान से यक लफ्ज़ खुद ब खुद निकलता है सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत तख्लीक की है ज़मीन, तो ये इंसानों के लिए है। तो इन चीज़ों के हवाले से आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, ज़हन कुशादा होता है, ये सफ़र आपकी ज़िंदगी में खुशनुमा होने की दलील होते हैं। इमरान साहब नेशनल बैंक में इस वक्त जॉब कर रहे हैं, वाया मोटरवे हम जाएंगे ना जी, यहाँ से हरिपुर तक मैं आप मोटरवे आगे फिर जो है वो जी हरिपुर हजारा जी आगे फिर नेशनल हाईवे पे साथ साथ इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कंटिन्यू फॉर 800 मीटर्स। हम पहुंच गए हैं मोटरवे पे, ये है पिशावर मोटरवे ना, इस्लामाबाद से पिशावर M1। अस्सलाम वालेकुम। फ्यूल डलवाने के लिए हम रुके हैं, अभी 300 किलोमीटर्स रेंज थी हमारे पास, लेकिन हम हाईवे पे हैं तो सोचा कि कोई मुश्किल पेश ना आए, फिर भी हमने स्टैंड बाई सिक्योरिटी के लिए ना टैंक फिल करवा लेते हैं ताकि फिर अपने सफ़र पर हमारे फोकस रहे।
अभी टक शॉप पर रुके हुए थे, जूसेज वगैरह पानी वगैरह लेके हमने रख ली हैं। बस ये इसीलिए रुके थे। थैंक यू। मुझे ऑफिस से कॉल आई है, हमारी ना डेली बेस पे वहाँ पे महफिल पाक होती है, तो इसी वक्त हम ना जमा होके दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो अभी कॉल आई थी कि आप लाइव इसमें शामिल हो जाएं, तो अभी आप सबको भी आज दुरूद पाक इंशाल्लाह उस महफिल में शरीक करते हैं। इस वक्त हम करीब हैं हवेलियाँ के, तो गाड़ी रोकी है साइड पर, रेडिएटर को पानी मार लें थोड़ा ताकि कूलिंग अच्छी हो जाए। गाड़ी का ही हौसला है जो खुद हीट अप होने के बावजूद आपको कूलिंग दे रही है। थोड़ा सा पानी रेडिएटर को मारा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी कूलिंग ठीक है। अच्छा, अंदर बैठे महसूस नहीं होता कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हैं, गोली की तरह पास से गाड़ी गुजरे फिर पता चलता है कि आपकी स्पीड इतनी थी। अल्लाह करीम सबको अपने मंजिले मकसूद पे पहुँचाए और सफ़र में खैर वाफ़ी से रखें। आप इन इलाकों की ये खूबसूरती चेक करें कि किस खूबसूरत तरह से मकानात बने हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इन लोगों का लाइफस्टाइल अगर देखें तो हमारी बनिस्बत तो बहुत टफ है। यानी ये बज़ाहिर जो सीनरी हमें बहुत भली मालूम हो रही है, यहाँ पर ज़िंदगी सर्वाइव बहुत मुश्किल है मेरी अपनी दानिश के मुताबिक। और शायद यहाँ के लोग तो यूज़ टू हो चुके होंगे। ये टनल है एबटाबाद टनल नंबर 1, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान, चाइना फ्रेंडशिप, ज़बरदस्त। इंस्ट्रक्शंस जो आपको मिल रही होती हैं इनको फॉलो जरूर किया करें। अभी हम रुके हैं पानी भरने के लिए। और ये जगह कौन सी है हसन भाई? ये हम जनाब आए हैं अल्लाह भला करे मानसेरा पे। ये मानसेरा के करीब करीब है ना, और पानी भरने के लिए आप निकलने लगे। ये मेरे ख्याल बच्चों को छुट्टी हुई है स्कूल से। इमरान साहब खुद नहीं चलाया जा रहा, यहाँ आदत नहीं रही। ये हमारा बैग है और ये हमारी छुट्टी हो गई है।
क्या कह रहे हो आप? ये हमें, ये हमारा बस है और हम स्कूल में जाकर, ये हमारी छुट्टी हो गई है। माशाल्लाह, यही छुट्टी की खुशी हमें बचपन में हुआ करती। पानी ठंडा है? बहुत ठंडा पानी। बहुत शुक्रिया बच्चे। अच्छे बच्चे बड़े शरीर हैं इधर के भी। बॉटल काट के आगे लगाई हुई है ताकि वो पानी जो है वो अपने जाए मुकाम तक पहुंचे। इसे कहते हैं देसी जुगाड़। अच्छा, इधर की ये जो नल है, नल के ये कुछ डिफरेंट है। मेडिकल स्टोर के लिए इमरान साहब को दर्द हो रही थी, इनका चेकअप करवाने के लिए। इतनी दर्द मेरे सर में है नहीं जितनी आप बता। मोवन भी ले लेना ताकि अगर दर्द की जरूरत पड़े तो। एक्सपायरी चेक कर और कोई चीज चाहिए आपको? नहीं, पैनाडोल ले लें। पैनाडोल तो एक पता दीजिए, वैसे शायद मेरे बैग में है, पड़ी भी हुई है लेकिन ले लें। जी तो हम पहुंच गए हैं बालाकोट और यहाँ पे ये होटल है मावा रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लंच करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सफ़र का आगाज़ करेंगे। मैं आपको विज़िट करवाता हूँ होटल। ये रेस्टोरेंट है, मेरे घर हैंड वॉश करने के लिए गया है रात को आपको। इसका मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार व्यू है इसका। उनसे पूछ रहे थे खाने में कि आपके पास जो आप मटन कह रहे हैं ये फ्रेश है या पहले से फ्रीज होता है। वो कहते हैं कि मैं चेक करके आपको बताता हूँ। चेक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद फाइनल करते हैं। सोच रहे थे कि मटन का सालन करवा लेते हैं। हाउ मच टाइम, कितना? अच्छा, बॉयल किया हुआ है ना तो पकाएंगे बाद में। 25-30 मिनट लगेंगे। ये हमारा नाश्ता भी है और लंच भी है। बड़ा लंच हमने सफर आगाज कर दिया। अभी हम इस वक्त गुजर रहे हैं बालाकोट के बाजार से और गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकी थी, एटीएम यूज करना था, तो अब बाजार में से गुजर रहे हैं। और टेम्परेचर है इस वक्त, टेम्परेचर 35 टेम्परेचर है। दरिया के पास से गुजरें तो फिर दरिया की जो ठंडी हवा है वो थोड़ा टेम्परेचर को डाउन करती है, थोड़ा सा आगे गुजर जाएं तो फिर हीट अप हो जाता है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये बालाकोट का बाज़ार है जहाँ हम रुके थे और ये वहाँ से हम निकल आए हैं, ये आप देख सकते हैं। नारान को जा रहे हैं और ये जो ट्रैक इस वक्त है ये सारा चढ़ाई है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पहाड़ी सिलसिले में जो भी बंदा आता है वो अलग ही अमान भी होता है,
क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे रोड मैप है या जिस तरह का लैंडस्लाइडिंग एरिया है, ज़िंदगी मौत की कोई ख़बर नहीं होती। तो अल्लाह करीम जितने लोग आते हैं सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और दुआ हमेशा यही निकलती है दिल से कि या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। अल्लाह करीम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नहीं जी, बारिश स्टार्ट हो गई है और रश भी बहुत ज़्यादा है। ये किवाई का एरिया हम यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त और बारिश स्टार्ट हो गई है। अब अभी तक हमारा 59 किलोमीटर है सफ़र बाकी, 1:53 बता रहा है ये GPS, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बारिश स्टार्ट हो गई है इसलिए अब जो बकिया सफ़र है वो हमारा मोहतात गुजरेगा। लैंडस्लाइडिंग भी होती है इन इलाकों में, तो एहतियात से जा रहे हैं। 58 किलोमीटर सफ़र हमारा बाकी है नारान के लिए। एक मिनट आप ये चेक करें जी, फ्रेश आम और ये आबशार बहुत ही प्यारा मंजर। ये मोहब्बतें हैं कि आप अपने शहर में हों या कहीं दूसरे शहर में हों, मोहब्बत वाले लोग मिल जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल भाई इस्लामाबाद से हैं, यहाँ पे मिल गए, मोहब्बत करने वाले हैं, वीडियोस देखने वाले हैं। इनकी मोहब्बत अल्लाह इनको सलामत रखे। इतने ठंडे आम हैं ये फ्रेश पानी में, सुभान अल्लाह, लजीज। ट्रैफिक की लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ से कतार शुरू हो रही है और आगे पता नहीं कहाँ तक है। इसका वाहद हल ये है कि छली ले लें और एक एक दाना करके खाते जाएं। ये देखें जी मकामी लोगों के रोज़गार का एक्सरिया, ये शहर तैयार हो रहा है। बहुत से लोग तो इसके सारे प्रोसीजर को जानते होंगे। हसन भाई आपको पता है? इमरान भी आपको? मेरे जो इलम में बात आई है ना वो ये है कि इन शहद की मक्खियों में एक मलिका होती है, उसको कैद कर लिया जाता है, बाकी सारी जो नखट्टू मक्खियाँ होती हैं ना, इसकी पूरी एक फौज है, वो सारी फिर मलिका के इंस्ट्रक्शंस पर चलती हैं। एक बॉक्स में वो रखते हैं, उसी बॉक्स में वही सारी मक्खियाँ। फिर वल्लाहु आलम, मैं भी इसमें मेरी कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन मेरे इल्म में यह है कि वो फिर मक्खियाँ उसी मलका को फॉलो करते हुए ना उसी बॉक्स में आके शहद जमा करती हैं। तो ये मलिका मक्खी की इनको पहचान होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे बॉक्स पड़े हुए, इनके जो मतलब कि कर्ता धरता होते हैं, जो बिज़नेस करते हैं लोग, तो ये मलिका को पकड़ लेते हैं और मलिका को बॉक्स में रखते हैं। और बाकी फिर जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो इनको फॉलो करते करते इन बॉक्स में आके शायद को जमा करते हैं। एहसन भाई थक गए हैं? एहसन भाई लग रहे हैं कि थक गए हैं सुबह से, लेकिन एहसन भाई ने ड्राइव की है जी थ्रू आउट इस्लामाबाद से लेके नारान तक। 5.8 किलोमीटर लेफ्ट हम खड़े हैं, लाइन लगी हुई है पिछले तकरीबन आधे घंटे से।
सर थका तो नहीं हूँ मैं, बस यही है कि कहीं पहुँच जाए, जाके जरा शावर शूवर ले, बाजार फ्रेश हो जाएंगे। वहाँ से इसी उम्मीद पे आए हैं। हर घंटे बाद हमने हसन भाई से पूछा कितना सफर रह गया, और इन और ये जुबान के पक्के, उन्होंने कहा कि एक घंटा, और हर घंटे बाद एक घंटा। अभी छह मिनट, आप समझ गए होंगे, 10 मिनट रह गए, लेकिन फिर भी घंटे लग रहे हैं। कैसी लॉजिक? वो लॉजिक ये है ना कि ट्रैफिक स्ट्रक है, और हमारा बाहर कैफ इर्द गिर्द की जो सीनरी थी, एटमॉस्फेयर था, क्लाइमेट बहुत अच्छा था, इस सफर बहुत अच्छा गुजरा। और मेन चीज जो दोस्तों का साथ है। हाँ, कंपनी मैटर करती है सफर में, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजर जाए तो फिर आपको सफर का पता नहीं चलता, वरना तो बंदा बोर हो जाता है। शायद कि हम सैर से ज्यादा अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं अभी तक। अभी तक तो मुझे ये लगा कि हमने कोई ऐसा पॉइंट विजिट नहीं किया, ना एक्सप्लोर किया कोई जगह, लेकिन जो अपनी कंपनी है अभी तक उसी को एंजॉय कर रहे हैं। लाइट मोड पे जो मजाक होते हैं, तंजो मजाक, तो उसके साथ हम सफर को एंजॉय कर रहे हैं। लाइन आपको मैं दिखाता हूँ कितनी लगी हुई है। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर ऐसे ही लाइन लगी हुई है, और मैंने यहाँ के मुकामी एक दो लोगों से पूछा है कि क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, तो कह रहे हैं 1-2 दिन से ऐसे है लास्ट, तो डोंट नो हाउ कि अब इसका क्या सीन होगा। खैर, इंतज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम अपने होटल पहुंच गए हैं, और ये हो गई गाड़ी पार्क। अल्हम्दुलिल्लाह होटल पहुंच चुके हैं और चेक इन करने लगे हैं। ये होटल है हमारा, ये रूम है नारान के अंदर, होटल वन। ये 2 पर्सन के लिए, 1 पर्सन फिर साथ वाला रूम हमने लिया है सोने के वक्त, फिर उधर चले जाएंगे। 2 रूम हमारी बुकिंग है। इसका व्यू देखते हैं, क्या बात है, सामने माउंटेन है जो सुबह नजर आएंगे, तो बिल्कुल डार्क हो चुके हैं, और पे ठंड भी है। गुड, नॉट बैड। और चूंकि बिल्कुल थकावट से चूर चूर है, तो चाय की बड़ी तलब हो रही थी। जो यहाँ होटल के मैनेजर हैं, तो बड़ी मोहब्बत वाले हैं, वो मुझे पहले भी सुनते थे, वो कहते हैं आपकी वीडियोस हम तक पहुंचती हैं, तो आप आए, तो ये मोहब्बतों का सफ़र है। देखें, अल्लाह आसानियां बांटने वालों को हमेशा आसानियां ही देता है। अभी हम पहुंचे थे तो पीछे चाय आ गई है, और साथ में उनका मैसेज भी आया कि चाय हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी भी हमारा आपसे मोहब्बत का सफ़र यूँ ही जारी रहेगा जब तक आप यहाँ तक स्टे करते हैं, तो ये बड़ा रिकॉर्ड है। ये आप सबकी मोहब्बतें हैं, आप सबकी दुआएँ हैं जो मुझ तक पहुँचती हैं। मेरे ख्याल में चाय पी लेते हैं। इमरान भाई हमें अपने बड़े शफकत भरे हाथों से चाय बना के पिलाएंगे। कुकर ना ऐड कीजिए, मैं खुद करता हूँ। बस बस, जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो चुके हैं हम, और अब हम डिनर के लिए जाने लगे हैं, क्योंकि कल से हमने चेंज भी नहीं किया था कि ट्रैवल में आपको पता है बंदा इजी रहता है, और जितने ज़्यादा इजी कपड़े हों बंदा ज़्यादा इजी रहता है। अब चेंज कर लिया है, तो अब हम डिनर के लिए निकलने लगे हैं। जी इमरान भाई निकलें जी, एहसन साहब हमें मैनेज करेंगे क्या खाना है, कहाँ से खाना है और कैसे खाना है, वो तो हमें पता है। चलते हैं। ये है जी होटल का रेस्टोरेंट। हम लेट हैं या सबसे पहले आए हैं खाने की? उन्होंने कहा है कि आपको 45 मिनट्स लगेंगे जो हमने ऑर्डर दिया है, तो बेहतर ये है कि आप रूम में चले जाएं।
आपका ऑर्डर वहीं पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो इसलिए अब हम रूम आ गए, अपनी बॉटल्स वगैरह पानी डिशेज वगैरह हम ले आए हैं, इंतज़ार करते हैं खाने का। खाना तो अभी नहीं आया, लेकिन क्या आया पहले? ये फ्राइज आए हैं। ये एपिटाइजर है? यस सर, फ्राइज है। इधर ही बैठ। थैंक यू सो मच, नेकी के काम इमरान भाई के हिस्से में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे सर। आमीन। फ्राइज इसलिए आई हैं कि ताकि हम उनको बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें कि हमारा खाना क्यों नहीं आया, मुझे तो यही लगता है। खैर एपिटाइज़र है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हमारा खाना आ गया है तो अब इंशाल्लाह खाने के बाद रेस्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है और अब सोने का वक्त हुआ जाता है। थकावट शदीद हो गई है, नींद मज़े की आएगी। तो इंशाल्लाह मैं कल की जो हमारी यादगार वीडियोस होंगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि मेरी ये फील्ड नहीं है, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है कि मैं व्लॉग्स बना के शेयर करूं। ये तो मेरा एक सफ़र था, इसकी कुछ यादें थी, सोचा अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर मैं शेयर करूं, तो इसलिए इसको मैंने रिकॉर्ड कर ली। कल का मेरा इंशाल्लाह प्लान है कि हम जाएंगे बाबूसर टॉप, इसके अलावा झील सैफुल मलूक और लालाजार झील। ये कुछ पॉइंट्स हैं और मुझे तो सही नहीं पता, अगर कोई नाम में कमी पेशी हो तो उसके लिए भी माजरत। और एडवांस में आप सबकी मोहब्बतों का मशकूर हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, सलाम पहुँचे।